हेलो दोस्तों, मैं मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी इंस्टीट्यूट से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर सीख रहे हो या किसी कंपनी में आपने जॉब की शुरुआत करी है और आप वाउचर को देखते ही थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हो भी मुझे वॉइस वाउचर की जो एंट्री है वो टेली सॉफ्टवेयर में कौन से वाउचर में करनी है और उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कौन कौन से लेज़र क्रिएट होंगे और उन लेज़र का ग्रुप हमें क्या रखना होता है। तो यानी कि वैसे आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को अच्छी तरीके से यूज कर लेते हो, वाउचर एंट्री आप कर लेते हो, लेकिन वाउचर को देखते ही कन्फ्यूज हो जाते हो। तो आज की इस वीडियो को आप एंड तक देख लेते हो तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी हद तक आप आज की इस वीडियो से आपको कुछ ज़रूर सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलने वाला है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप की मोटिवेशन वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हम शुरू करें उससे पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है, अगर आप ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल अकाउंट का कोर्स कंप्लीट सीखना चाहते हो, GST, TDS, TCS, इनकम टैक्स यानी कि हर टाइप के टैक्सेशन का प्रैक्टिकल नॉलेज और अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल नॉलेज टेली सॉफ्टवेयर के साथ सीखना चाहते हो तो आप हमारा वेबसाइट इस पे आप जरूर विजिट करें, लॉगिन करके आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करें और अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, क्योंकि हम 24 जुलाई 2022 से लाइव सेशन है जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने ये सुपर 30 बैच है जो स्टार्ट किया है, इसके अंदर हम केवल उन्हीं 30 फर्स्ट 30 बच्चों का ही इन्वॉल्व करेंगे। तो जल्दी से आप लॉगिन करके और अपना अकाउंट है जो क्रिएट करके और अपना रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो। इस हमारी जो वेबसाइट है इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप इस वीडियो को यहीं पॉज करके इसको आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस वाउचर को देखा, वाउचर हमारे पास है भी, हमने कमल फर्नीचर हाउस है और ये जो हमारी कंपनी है यानी कि हमने कमल फर्नीचर हाउस से ये 5500 रुपये के कुछ प्रोडक्ट है जो परचेज किए हैं, इनवॉइस नंबर है, इसकी दिनांक वगैरह सब कुछ है। लेकिन अब बात आती है कि हम इस वाउचर की एंट्री को टेली सॉफ्टवेयर में किस तरीके से करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको वाउचर को देखते ही घबराना नहीं है, कन्फ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, अपनी जो कंपनी है खुद की यानी कि जो हमारी कंपनी है ये वाली श्रीराम एंड कंपनी को, इस कंपनी में आपकी कंपनी का ये जो आपका बिजनेस का लेवल है वो देखना है भी आपकी बिजनेस की ट्रेडिंग आप किन किन प्रोडक्ट के साथ करते हो। तो सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा, आप सीधा स्टॉक समरी पे आ जाए, आपको स्टॉक से पता चल जाएगा भी आपकी जो ये जो कंपनी है ये किस टाइप के स्टॉक के अंदर ट्रेड करती है, चाहे वो आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग की है चाहे वो ट्रेडिंग की है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने एक बार फॉर एग्जांपल यहाँ पर आइटम कुछ इस तरीके से बना रखी है, आइटम ए, आइटम बी, आइटम सी, आइटम डी, आइटम ई, तो यानी कि इसकी जगह आपका कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है। लेकिन ये जो वाउचर हमारे पास है, ये वाउचर हमने कमल फर्नीचर हाउस से ये कुछ प्रोडक्ट हमने परचेज किए हैं, जिसके अंदर अगर हम स्टॉक आइटम की बात करें तो चेयर और टेबल है, क्वांटिटी है और ये इसके रेट है। तो दोस्तों, अब डिपेंड करता है, अब हमारी जो कंपनी है, अगर ये कंपनी ये जो प्रोडक्ट है चेयर्स है टेबल्स है यानी कि इसके अंदर भी डील करती है, यानी कि ये भी प्रोडक्ट परचेज करके और आगे सेल करती है, तो ये हमारे लिए परचेज वाउचर बनेगा, यानी कि ये हमारा एज ए ट्रेडिंग का पार्ट बन गया। इस वाउचर को हम परचेज में पास करेंगे, ये हमें स्टॉक आइटम भी क्रिएट करनी पड़ेगी। अब अगर हमारा बिजनेस फर्नीचर से रिलेटेड कोई है नहीं, यानी कि हम कोई टेबल वगैरह या कोई जो चेयर वगैरह हम परचेज भी नहीं करते, इनको सेल भी नहीं करते, लेकिन इसको हमने हमारे बिजनेस के लिए यूज़ के लिए हमने इसको इस कमल फर्नीचर हाउस से इसको परचेज किया है, लेकिन हमें इन प्रोडक्ट को आगे सेल नहीं करना है। तो सेल नहीं करने का मतलब क्या हो गया, ये प्रोडक्ट तो हमने खरीद लिए लेकिन सेल नहीं करना, तो इसका मतलब ये बन गया ये जो प्रोडक्ट है अब ये हमारी कंपनी के लिए नॉन ट्रेडिंग का पार्ट है। तो अगर हम सीधी सीधी भाषा में बात करें तो ये हमारी कंपनी के लिए फिक्स्ड असेट का पार्ट है। तो अगर ये फिक्स्ड असेट का पार्ट है तो हम इसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे, अगर ये ट्रेडिंग का पार्ट है तो इसकी एंट्री किस तरीके से पास करेंगे। तो दोस्तों, हम दोनों टाइप आपको बताएंगे। सबसे पहले हम जाएंगे वाउचर पे, हम जाएंगे F9 यानी कि हम परचेज वाउचर को सेलेक्ट करेंगे।
तो परचेज वाउचर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इन प्रोडक्ट के अंदर डील करते हो, यानी कि ये चेयर्स वगैरह आपने रीसेल पर्पज से खरीदी है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, एंट्री तो हमें परचेज वाउचर में करनी है, लेकिन यहाँ पर आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करनी पड़ेगी। किसके नाम से? चेयर के नाम से और एक टेबल के नाम से। तो जैसा कि हमारे पास ऑलरेडी कोई परचेज वाउचर, हम ओपन कर लेते हैं, उससे हमारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसा कि ये परचेज है, तो जैसा कि यहाँ पर आप स्टॉक आइटम देख रहे हो, जैसे हम नॉर्मल परचेज वाउचर की एंट्री करते हैं विद स्टॉक आइटम के साथ में, तो उसी तरीके से हमें चेयर और एक टेबल की स्टॉक आइटम हमें क्रिएट करनी पड़ेगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट का नाम आएगा चेयर, उसके बाद ही उसको अंडर में फर्नीचर हम रखेंगे, देन उसके बाद उसकी क्वांटिटी यूनिट्स है, पीस में है, पैकेट में है, किस जो भी इसका यूनिट्स हमारे पे लिए उसका हम यूनिट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अगर उस पर GST लगा हुआ है तो इसको GST को एप्लीकेबल करके उसकी डिटेल को हम सब कुछ अल्टर में जाके डिटेल को जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सब कुछ भर देंगे, यानी कि उसका एचएसएन कोड, उसका डिस्क्रिप्शन, उसके ऊपर कितने परसेंट का टैक्स है, सारी बातें हम यहाँ पर लिखेंगे। ये किस कंडीशन में लिखेंगे? अगर हमने इस प्रोडक्ट को रीसेल पर्पज वास्ते परचेज किया तो। अब मान लीजिए हमने रीसेल तो इसको करना नहीं है, ये हमने हमारी बिजनेस के लिए यूज़ किया है, एज ए हमें एसेट के रूप में इसको यूज़ करना है, तो देन उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? आप उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, आप इसको जर्नल वाउचर में भी इसकी एंट्री आप पास कर सकते हो, या फिर आप इसकी परचेज वाउचर में भी एंट्री पास कर सकते हो। लेकिन अगर आप परचेज वाउचर में एंट्री पास करोगे तो आपको यहाँ से जो मोड है वाउचर का वो चेंज करना पड़ेगा। तो वाउचर का मोड चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, चेंज मोड पर जाएंगे और देन हम इसको यहाँ पर रखेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस में। जैसे हम यहाँ से अकाउंटिंग इनवॉइस करेंगे तो जैसा आप देख रहे, अभी हमारे पास यहाँ पर नेम ऑफ स्टॉक आइटम का जो ऑप्शन आ रहा था वो हट गया, अब यहाँ पर आ गया पर्टिकुलर्स। अब इस कंडीशन में हम क्या, या हम इस इनवॉइस का वाउचर नंबर लिखेंगे KFH0324 का, और डेट हमारे पास 14 जुलाई। और अब यहाँ पर हमें एक लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। लेज़र किसका क्रिएट होगा? जिस कंपनी से हमने इस प्रोडक्ट को परचेज किया, यानी कि कमल फर्नीचर हाउस का। तो हम कमल फर्नीचर हाउस का एक लेज़र यहाँ पर क्रिएट करेंगे, Alt+C से शॉर्टकट यूज़ करेंगे। और उसके बाद में अब इसका ग्रुप सिलेक्शन हमें क्या करना होगा? तो दोस्तों, अब ग्रुप सिलेक्शन के कंडीशन में हमारे पास अब दो कंडीशन लागू होती है। पहली कंडीशन भी, अगर हम इस वाउचर की एंट्री को परचेज वाउचर में अगर पास करना चाहते हैं तो हमें इसका ग्रुप रखना पड़ेगा सैलरी क्रेडिटर। अगर आप इसको जर्नल वाउचर में पास करना चाहते हो तो आपको इसका ग्रुप सिलेक्शन रखना पड़ेगा, करंट लायबिलिटीज भी रख सकते हो और सैलरी क्रेडिटर भी रख सकते हो। लेकिन अगर आपको परचेज वाउचर में पास करना है तो इसका ग्रुप सैलरी क्रेडिटर ही आपको रखना पड़ेगा। और उसके बाद में इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम फिलअप कर देंगे। और देन उसके बाद में अब हमें एक लेज़र और यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, किसके नाम से? जो हमारी एसेट बनने जा रही है। एसेट अब किसके नाम से बन रही है? यानी कि हम चेयर टेबल को एज ए फर्नीचर मानते हैं, तो अब हमें यहाँ पर एक लेज़र और क्रिएट करना पड़ेगा फर्नीचर के नाम से। अब ये फर्नीचर का ग्रुप किसके अंडर में रहेगा? फिक्स्ड एसेट के अंडर में। GST इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि टैक्स फ्री का प्रोडक्ट है, इस पर GST हमारे पास अभी तक लगी हुई नहीं। अगर GST लगती है और आपकी कंपनी फिक्स्ड एसेट पर GST ITC लेने के लिए एलिजिबल है तो आप यहाँ पर इसको GST को एप्लीकेबल भी कर सकते हो। देन हम इसको वाउचर को सेव करेंगे, लेजर को सेव करेंगे, और इसकी जो इनवॉइस की वैल्यू है 5500 रुपये, यानी कि अब हमें यहाँ पर प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है चेयर टेबल वगैरह, तो हम टोटल वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर 5500 रुपये की। एंट्री पास करते हुए हम इसको सेव करेंगे। यहाँ पर डिटेल के अंदर हम लिख सकते हैं कि हमने क्या कुछ इससे परचेज किया है, चेयर हमने टेबल हमने परचेज किया है, और एक्सेप्ट करके पास करेंगे। अब इसका इफेक्ट हमारे पास कहाँ जाएगा? डायरेक्ट सीधा बैलेंस शीट पर जाएगा। बैलेंस शीट पर को अगर हम ओपन करेंगे Alt+F1 की डिटेल के साथ देखेंगे तो आप देख रहे हो ये फर्नीचर की जो अभी हमारे पास वैल्यू है ये फिक्स्ड एसेट में आ चुकी है, और ये जो 5500 रुपये सैलरी क्रेडिटर में थे तो कमल फर्नीचर हाउस का जो हमने ग्रुप क्रिएट किया था ये सैलरी क्रेडिटर के इस ग्रुप के अंदर आ जाएगी। तो दोस्तों, ये तो ऑप्शन था हमारे पास में अगर हम परचेज वाउचर के अंदर एंट्री पास करते हैं तो। अगर इसी वाउचर को अगर हमें जनरल वाउचर के अंदर पास करना हो तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, वाउचर्स पर जाएंगे, देन हम F7 यूज़ करेंगे जनरल वाउचर में, और यहाँ पर हम जो फर्नीचर का लेज़र हमने क्रिएट किया है
₹5500 से 55 डेबिट करेंगे और यहाँ पर अब हम कमल फर्नीचर हाउस को क्रेडिट करेंगे और उसके बाद में इसी एंट्री को हम यहाँ पर पास करेंगे इसको। अब हम देखेंगे तो हालांकि फर्नीचर की जो एंट्री है वो जस्ट डबल हो चुकी है, लेकिन दोनों वाउचर की एंट्री हमने अलग अलग मोड पे करी है। एक हमने किया था इसको परचेज वाउचर में और दूसरा किया जर्नल वाउचर में। तो परचेज वाउचर की कंडीशन में हमने इस तरीके से एंट्री पास करी थी और जर्नल वाउचर के अंदर नॉर्मल एंट्री, यानी कि दोनों कंडीशन में सेम वाउचर जो इफेक्ट पड़ना है वो दोनों का सेम जगह जाएगा। एक साइड हमारी एसेट बढ़ेगी तो दूसरी साइड हमारी लायबिलिटी साइड का भी पार्ट है जो वो भी इंक्रीज होएगा। तो अगर हम दोनों में से एक को किसी को डिलीट करेंगे तो सिंगल सिंगल एंट्री हमारी ये रह जाएगी। अब उसके बाद में अगर कमल फर्नीचर हाउस की हमारी ये जो क्रेडिटर बच गया वो इसको हम पेमेंट हम कर सकते हैं, चाहे आप इसको कैश के थ्रू पेमेंट करें चाहे हम इसको बैंक के थ्रू पेमेंट करें। जब भी एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री को हम पास करेंगे। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से जरूर आपका कुछ कन्फ्यूजन जरूर होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी बचती है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। अगर आप कंप्लीट अकाउंट का कोर्स सीखना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके अपना लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें, क्योंकि हम 24 जुलाई 2022 से लाइव सेशन है जो प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप अकाउंट्स को किस तरीके से सीखते हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पर कंटिन्यू 4 मंथ का जो कोर्स है वो सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें।